Assalamu alaikum students. I am your math teacher. Today I am going to continue exercise of page number 91. Page number 91 की exercise हमने last lecture में 1 till 6 question किए थे. Today we are going from question number 7 till question number 12. I gave you homework of question number 7 in which you have to draw a perpendicular on line PQ. Now I am going to explain you question number 8. Question number 8 is draw a line PQ. We have to draw a line PQ. The length of the PQ is not given, so we can take any length of this line. लेकिन थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा, because we have to draw two perpendiculars on PQ. क्वेश्चन हमारा ये है कि यूज अ सेट स्क्वायर टू ड्रॉ टू लाइंस. इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव ड्रॉन वन परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ लाइन. हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एक लाइन के ऊपर. नाउ वी हैव टू ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स. अ सेट स्क्वायर ही यूज करना है, तो सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो. लेकिन यहाँ सिर्फ डिफरेंस ये है कि हियर द नेम ऑफ द परपेंडिकुलर इज ऑल्सो गिवन. आर एस पहला परपेंडिकुलर है, एक्स वाई दूसरा परपेंडिकुलर है. सो वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दीज नेम्स. अब हम अपनी मर्जी से नेम नहीं लिख सकते. अब ये जो क्वेश्चन में नेम दिए हुए, लाइन का नेम क्या है? पी क्यू. परपेंडिकुलर का नेम है आर एस और एक्स वाई. सेम प्रोसीजर वी विल डू विद द सेट स्क्वायर. फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ पी क्यू. Then we place a set square straight on the baseline. Baseline पे हमने place किया. Then we draw a first perpendicular. फिर इसके बाद हमने थोड़े फासले से इसको दोबारा place किया and draw another perpendicular on the same line. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, we can make this triangle to show that we are using this set square. सेट स्क्वायर यूज करें इसलिए हमने बताने के लिए तो डॉटेड लाइन से ट्रायंगल बना दिए. लाइंस ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द लाइन. द लाइन परपेंडिकुलर लाइन द नेम इज गिवन ऑन द क्वेश्चन. आर एस फर्स्ट परपेंडिकुलर इज आर एस, सेकेंड परपेंडिकुलर इज एक्स वाई. इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर प्रीवियसली जो क्वेश्चन था उसी की तरह है. सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ दो परपेंडिकुलर्स आ गए हैं एंड नेम ऑफ द परपेंडिकुलर आल्सो गिवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू ड्रॉ थ्री परपेंडिकुलर्स. लेकिन किस तरह से? ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क थ्री पॉइंट्स. उन्होंने कहा कि पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. हियर अगेन द लेंथ ऑफ द लाइन इज नॉट गिवन, सो वी कैन ड्रॉ अलाइन विथ आवर ओन मेजरमेंट. हम अपनी मेजरमेंट से लाइन ड्रॉ करेंगे और लंबी से ड्रॉ करेंगे, इसलिए हम तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. यू कैन टेक 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लेंथ आप ले लीजिए. उसके बाद आपने तीन पॉइंट्स अपनी मर्जी से ई एफ जी इस लाइन पे थोड़े थोड़े फासले से आप तीन पॉइंट्स लगा दीजिए. लाइन का नेम मैंने ए भी रखा है, ये भी मेरी अपनी चॉइस है, इसलिए यहाँ पे लाइन का नेम नहीं दिया हुआ. You can write any name of these two points. A, B मैंने लाइन का दो पॉइंट्स का नेम लिखा है, आप कोई और भी लिख सकते हैं. लेकिन E, F, G ये गिवन है, तो इसे इन पॉइंट्स का नाम E, F, G ही होगा. फिर इसके बाद उन्होंने सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये है बोला है कि ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन E, P, F, Q एंड R, G. यानी E के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनना चाहिए, एफ पे एक परपेंडिकुलर बनना चाहिए और जी पे एक परपेंडिकुलर बनना चाहिए. सबसे पहले हम सेट स्क्वायर रखेंगे ई के ऊपर और बना देंगे एक परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर देंगे. फिर इसके बाद हम एफ के ऊपर रखेंगे और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. फिर हम जी के ऊपर सेट स्क्वायर रखेंगे और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब इनकी थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, विच आर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये तीनों परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किए थे, हमने ये अपने विदाउट एनी मेजरमेंट ड्रॉ किए थे ना, कोई लेंथ ले ली थी इसकी परपेंडिकुलर की, ये इट शुड बी 2 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका मतलब हमें 2 सेंटीमीटर का कट लगाना है इसे. और हम पहले पढ़ चुके कि किस तरह से मेजर करते हैं. हम पहले हम
साइड में कहीं रफ वर्क में बना देंगे, दो पॉइंट्स जीरो से स्टार्ट हो और टू पे आके स्टॉप कर देंगे। टू सेंटीमीटर पे हमने दो पॉइंट बना दी, एक पे रखेंगे निडल, एक पे रखेंगे पेंसिल की निब। नाउ फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क बनाया हमने पॉइंट ई से, सॉरी पॉइंट ई हमारा पहला था, पॉइंट ई पे एक आर्क बनाया, सेकेंड पॉइंट हमारा एफ था, एफ पे एक आर्क बनाया, थर्ड पॉइंट हमारा जी था, जी पे भी हमने आर्क बना दिया विद द सेम लेंथ। ये मेजरमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए, ये मेजरमेंट जो हमने ओपन किया कंपास 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। इसको हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ जो नेम आए दे आर गिवन इन द क्वेश्चन, ई के साथ है पी, तो ई के साथ हमारा परपेंडिकुलर का नियम है पी, एफ के साथ है क्यू, एफ का हमारे साथ है क्यू, जी के साथ है आर, जी के साथ हम लिखेंगे आर, ये सेम नेम हमें यूज करने बहुत ज्यादा गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इसका पूछा गया है कि जब ज्वाइन कर ले आप पी क्यू आर को, ये लाइन जब आपने ज्वाइन कर ली, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर ली, कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये, ज्वाइन करके इन्होंने एक लाइन बना दी, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, वो लाइन दो, वो दो लाइंस जिनका डिस्टेंस सेम रहे आगे तक, जैसे जैसे मूव करते हैं डिस्टेंस चेंज ना हो और किसी पॉइंट पे आपके मिलती नहीं है, बिल्कुल इस तरह जैसे आपने रेल की पटरी देखी होगी ना, उसमें आप देखिए दोनों चलती रहती साथ साथ साथ, कहीं जाके मिलती नहीं है, ज्वाइन नहीं होती, बिल्कुल पैरेलल लाइन जो है कहीं भी जाके मिलती नहीं है, आगे जितना भी इसको एक्सटेंड करते जाएंगे सेम लेंथ से सेम डिस्टेंस से चलती चली जाएंगी। अब हमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल नजर आ रही है यहाँ पे, एक देखिए ये पी क्यू जो हमने लाइन ड्रॉ, पी आर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो ई जी के पैरेलल है, फिर ये जो परपेंडिकुलर पी ई था ये देखिए ये क्यू आर के पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है नहीं, सब डिस्टेंस सब बराबर बराबर चल रहे हैं, आगे जाके भी बराबर होते रहेंगे। फिर इसके बाद हमने क्यू एफ जो ड्रॉ किया था ये आर जी के पैरेलल चल रहा है, ये लाइन पैरेलल पैरेलल चलती जा रही है, ये कहीं भी जाके मिलेगी नहीं, ये इन दोनों इसलिए ये डिस्टेंस इनका सेम सेम है, सेम आगे तक कंटिन्यू रहेगा। दीज आर द लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तीन पार्ट से क्वेश्चन नंबर 9 के। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ लाइन ए बी, टेक एनी पॉइंट सी ऑन इट, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पॉइंट डी। अब हमें कंपास से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, वी हैव ऑलरेडी मेड अ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास इन क्वेश्चन नंबर 6, आप पीछे रिवाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने बनाया है परपेंडिकुलर कंपास के थ्रू, लेकिन आज हम बना रहे हैं ऐसा परपेंडिकुलर जो किस लाइन के ऊपर हो, और लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया हमने डी, पहले लाइन ड्रॉ की ए बी विद एनी लेंथ बिकॉज द लेंथ ऑफ द ए बी इज नॉट गिवन, लेने के बाद हमने इस इधर एक पॉइंट लगा दिया अपनी चॉइस से डी, डी पॉइंट लगाने के बाद वी हैव टू मेक अ सेमी सर्कल ऑन डी, डी के ऊपर हम बनाएंगे एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बन गया। अब ये मेजरमेंट आपके पास है, इसको चेंज नहीं करना, डी के ऊपर निडल रखा, सेमी सर्कल बना दिया हमने ए बी लाइन के ऊपर, दो पॉइंट मिल गए हमें ए और बी लाइन को कट करेंगे एक्स और वाई, हमने इसका नाम रख दिया एक्स वाई, हमने अपने अपनी तरफ से रखा है, यहाँ क्वेश्चन में नाम गिवन नहीं है। विद द सेम मेजरमेंट एट पॉइंट वाई ड्रॉ एन आर्क, विद द सेम मेजरमेंट एट पॉइंट एक्स ड्रॉ एन आर्क, हमने इसी मेजरमेंट से वाई से एक आर्क लगाया, एक आर्क एक्स से लगाया, इसके भी हमने नाम रख दिए ओ और एस, यू कैन गिव एनी अदर नेम्स। इसके बाद हमने एस जो पॉइंट मिला था इससे एक आर्क लगाया और ओ से ऐसा आर्क लगाया जिसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया, प्रीवियस आर्क को कट कर दिया, तो यहाँ देखिए दोनों आर्क्स आपस में मिल गए, ये जो प्लेस है जहाँ ये दोनों मिल गए हैं दिस इज कॉल्ड एफ, और यहां से हमने स्केल रख के स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी डी के साथ, इस एफ को डी से ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल, दिस एफ डी इज
are perpendicular at point D on AB. First we draw line AB, then we take a point D on it, then we draw a semicircle at point D with the same measurement, draw an arc at Y and at X. Then you can get O and S two points. From these two points, draw an intersecting arc. Intersecting arc कौन सा होता है? जो एक दूसरे को cross करे. ये cross करता है तो इसके दरमियान में point मिल जाता है एक आपको. This point is F. Join F with D. ये जो हमने मिल गई line, this is perpendicular to AB on at point D. D के ऊपर perpendicular बन गया FD और AB के ऊपर लाइन है जिसमें पॉइंट है D और उसके ऊपर एक perpendicular बन गया FD. Now question number 11 is draw a perpendicular again to a line PQ from a point R outside the line. अभी हमने लाइन के ऊपर बनाया है. अब हमें एक ऐसा perpendicular बनाना है जो पॉइंट बाहर हो. It is same as we have drawn a perpendicular on a line in question number 6. Question number 6 में हमने बनाया था. First we have to draw a line PQ with any length. Then open the compass almost more than half of the line. इस तरह से open कीजिए कि ये half of the line से बड़ा खुल जाए. ठीक है, ऐसे अंदाजे से खोलना है लेकिन हमें ऐसे लगे ये कि हाफ ऑफ द लाइन से ज्यादा है. ठीक है, अब हम सेम सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ऊपर एक हमने आर्क लगाया और इसको मूव करा के नीचे लाई, नीचे एक आर्क लगाया. इस तरह से हमने सेमी सर्कल से ड्रॉ कर लिया लेकिन यहाँ बीच की लाइन ड्रॉ नहीं करनी. हम सिर्फ ये ऊपर की लाइन ड्रॉ करेंगे फिर ऊपर उठा लेंगे और या यहाँ नीचे की लाइन ड्रॉ करेंगे. सेमी सर्कल के लिए हमें मूव कराना है इसको. फिर सेम मेजरमेंट से पी पे रखेंगे और इस साइड से राइट साइड से सेमी सर्कल ड्रॉ हम मूव करेंगे कंपास के थ्रू. लाइन क्या लगाएंगे, ऊपर जो आर्क लगाया था उसको इंटरसेक्ट करेंगे और नीचे जो आर्क लगाया था उसको इंटरसेक्ट करेंगे. हमें दो पॉइंट मिल गए. इन इंटरसेक्टिंग आर्क्स के दरमियान में एक पॉइंट मिल गया. इन दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क्स के दरमियान में एक पॉइंट मिल गया. इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. ये जो आर था हमारा आउटसाइड था लाइन के, इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. दिस इज द वे इन क्वेश्चन नंबर 10 वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर विद इन अ पॉइंट ए ऑन द लाइन जो लाइन के ऊपर है. और दिस इज द वे टू विच वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर आउटसाइड द लाइन. पॉइंट अगर आउटसाइड द लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा. इन क्वेश्चन नंबर 12 अगेन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन 8.4 सेंटीमीटर. 8.4 सेंटीमीटर इज गिवन, सो द मेजरमेंट शुड बी 8.4 सेंटीमीटर. 0 से स्टार्ट होगी, 8.4 पे स्टॉप करेंगे, सेकंड पॉइंट लगाएंगे. पी क्यू इज द नेम ऑफ द लाइन, तो पी फर्स्ट पॉइंट, क्यू लास्ट पॉइंट. 8.4 इज द मेजरमेंट. करना ये क्वेश्चन नंबर 2 की और 3 की तरह ही है. कट ऑफ करना है हमें 4 सेगमेंट्स का ऑन पीक्यू. पीक्यू पे 4 सेगमेंट्स बनाए हैं, बस मेजरमेंट नहीं दिया हुआ. मेजरमेंट आपको मालूम करना है कि कितने मेजरमेंट होगा. अगर हम 8.4 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए. 4 से 8.4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.1. इसका मतलब है हर सेगमेंट 2.1 का होना चाहिए. 2.1 का आप ओपन कर लीजिए कंपास. कंपास ओपन करने के बाद फर्स्ट प्लेस कंपास एट पी, ड्रॉ एन आर्क. नया पॉइंट जहां मिला आर्क लगा उसके ऊपर प्लेस कीजिए कंपास सिग्नल, ड्रॉ एन अदर आर्क. थर्ड पॉइंट के जो पॉइंट मिला उसके ऊपर ड्रॉ, उस पे नीडल रख के एक और आर्क ड्रॉ कीजिए. फिर ये फोर्थ आर्क ड्रॉ कीजिए. जिस तरह पहला पॉइंट है पी, जैसी आर्क लग जाए वो हमारा फिर अब पॉइंट बन जाएगा नेक्स्ट. फिर जो नेक्स्ट आर्क है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा. फिर नेक्स्ट आर्क हमारा बन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट. लास्ट आर्क हमारा फोर्थ आर्क होगा विच इज द लास्ट, विच इज मस्ट बी एट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन.
ये लास्ट आर जो फोर्थ आर के ये 8.4 जहां कंप्लीट हो रही है वहां तक आना चाहिए, उसके अंदर भी होना चाहिए, उसके बाहर भी नहीं होना चाहिए। ये इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया एंड दे ऑल आर इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी कैन डिवाइड द पी क्यू ऑफ 8.4 सेंटीमीटर इंटू फोर इक्वल पार्ट्स और फोर इक्वल सेगमेंट्स। थैंक यू।